नमस्कार, मैं मीनाक्षी ठाकुर। डेमोक्रेटिक वार का खास कार्यक्रम सियासी किस्से आप देखना शुरू कर चुके हैं। सियासी किस्से के एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे हेमवती नंदन बहुगुणा की कांग्रेस से बगावत की दास्तां। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने आखिरी दिनों में कांग्रेस को मिटाने की कसम खाई थी। अपने बेटे विजय बहुगुणा को मैदान में उतारा था। विजय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने, भाजपा में शामिल हुए। हेमवती की बेटी रीता बहुगुणा भी 2016 में भाजपा में शामिल हो गई। आखिर ऐसा क्या था कि यूपी की पहली विधानसभा में शामिल हुए चाणक्य कांग्रेस को बर्बाद करने पर तुले थे। कांग्रेस से वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। इतनी नाराजगी आखिर क्यों? 1942 के आंदोलन में इनामी क्रांतिकारी थे, यूपी की राजनीति में नामी नेता बने और 25 अप्रैल 1919 को तत्कालीन पौड़ी जिले के बुधाणी गांव में हेमवती नंदन का जन्म हुआ था। वो दौर था आर्य समाज का, जो भारतीय परंपरा को फिर से जीवित करना चाह रही थी। वो दौर था गांधी का, जो भारत की राजनीति को राजे रजवाड़ों की लड़ाई से अलग गांव वालों के हाथ में देने जा रहे थे। डीएवी पीजी कॉलेज में हेमवती नंदन की पढ़ाई हुई। पढ़ाई के दौरान ही हेमवती का संपर्क लाल बहादुर शास्त्री से हो गया। ये तो जाहिर सी बात है कि देश की राजनीति में इंटरेस्ट जागना। 1936 से 1942 तक हेमवती नंदन छात्र आंदोलन में शामिल रहे। वो वक्त ही ऐसा था कि जिससे जितना हो सकता था वो करता था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हेमवती नंदन के काम ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। अंग्रेजों ने हेमवती को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5000 का इनाम रखा था। आखिरकार 1 फरवरी 1943 को दिल्ली के जामा मस्जिद के पास हेमवती गिरफ्तार हुए थे, पर 1945 में छूटते ही फिर से आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उसके 2 साल बाद ही देश भी आज़ाद हो गया था। उसके बाद हेमवती यूपी की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1952 से वो लगातार यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1957 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। ऐसा माना जाता है कि सरकार जिसको मंत्री नहीं बना पाती उसे ये पद दे देती है, पर इससे ये पता चलता है कि हेमवती को इग्नोर करना सरकार के लिए आसान नहीं था। 1958 में प्रमोशन हुआ, सरकार में श्रम और उद्योग विभाग के उपमंत्री रहे। फिर 1963 से 1969 तक यूपी कांग्रेस महासचिव के पद पर रहे। 1967 में आम चुनाव के बाद बहुगुणा को अखिल भारतीय कांग्रेस का महामंत्री चुना गया। इसी साल कांग्रेस में समस्या पैदा हो गई, चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। फिर 1969 में इंदिरा गांधी को लेकर ही बवाल हो गया, कांग्रेस 2 भाग में टूट गई। त्रिभुवन नारायण सिंह जैसे नेता कामराज के सिंडिकेट ग्रुप में चले गए, पर कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के साथ चले गए। त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव में एक पत्रकार रामकृष्ण द्विवेदी से हार गए। इसके बाद कमलापति त्रिपाठी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया, पर पीएसी विद्रोह के चलते उनको भी पद छोड़ना पड़ा। विद्रोह के अलावा कमला सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। कमलापति धोती पहनते थे, मेहनत लगते थे, प्रशासन गड़बड़ हो गया था, तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो शासन भी संभाले और इंदिरा के सामने चूं भी ना करे। हेमवती नंदन 1971 में पहली बार सांसद बने थे, पर उनको उम्मीद थी कि इंदिरा का लगातार सपोर्ट करने की वजह से उनके कोई ताकतवर पद मिलेगा, पर संचार विभाग में जूनियर मिनिस्टर ही बन पाए थे। उस वक्त ये इतने नाराज हुए थे कि 15 दिन तक मंत्री का चार्ज ही नहीं लिया था, तो कुड़ कर इंदिरा ने इनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया था। इसके अलावा हेमवती का जगजीवन राम कैंप का माना जाता था, तो इंदिरा गांधी को सलाह दी गई कि इनको यूपी का मुख्यमंत्री बना दीजिए, ये आपके विश्वास पात्र हो जाएंगे। हेमवती 12 से विधायक बने। दिलचस्प बात ये है कि कमलापति और हेमवती के रिश्ते बहुत अच्छे थे। हेमवती अपने पिता के अलावा सिर्फ
कमलापति के ही पांव छूते थे। एक बार त्रिपाठी के कहने पर बहुगुणा भांग खाकर लौटे भी थे। कमला ने भी बहुगुणा के नाम पर हाँ कर दी। बहुगुणा ने आते ही यूपी के हालात संभाले और 6 महीने बाद राज्य में अधमरी हो चुकी कांग्रेस का चुनाव भी जिता दिया। कहा तो ये भी जाता है कि विपक्ष के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता को की छल बल लगाकर जमानत भी जब्त करवा दी थी। किंवदंतियां है कि चंद्रभानु गुप्ता उनसे पूछते थे, रे नटवरलाल, हराया तो ठीक लेकिन जमानत कैसे जब्त कराई मेरी, ये तो बता। बहुगुणा का जवाब था, आपकी ही सिखाई घाते हैं गुरुदेव। पर 1975 में इंदिरा गांधी ने सबको सरप्राइज करते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी। कांग्रेस के भी कई नेता इस बात पर चिढ़ गए थे, पर इंदिरा के सामने बोलने का साहस किसी में नहीं था। लगभग सब इंदिरा के साथ ही थे। सबको लगता था कि बाद में सबको बड़ा पद दिया जाएगा। इसी दौरान 1975 में बहुगुणा का इंदिरा से 3-5 हो गया, इस्तीफा देना पड़ा। कहा यह भी जाता है कि संजय गांधी की लंठई ने इनको बहुत दुखी कर दिया था। संजय किसी को कुछ समझते नहीं थे। इसके पहले वो 4 मार्च 1974 को भी रिजाइन कर चुके थे, पर 5 मार्च 1974 को फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। फिर जब 1977 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो बहुगुणा ने पहली बार कांग्रेस से बगावत की। बहुगुणा ने पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। उस चुनाव में इस दल को 28 सीटें मिली, जिसका बाद में जनता दल में विलय हो गया। इसी पार्टी के बैनर तले बहुगुणा ने उत्तराखंड की 4 लोकसभा सीटें भी जीती थी। चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री रहते बहुगुणा देश के वित्त मंत्री भी रहे। अंग्रेजी वीकली ब्लिट्ज के संपादक वयोवृद्ध पत्रकार करंजिया ने रूसी नेताओं और अम्बेसडर की मौजूदगी में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए बहुगुणा को देश के प्रधानमंत्री का काबिल मटेरियल घोषित कर दिया। मीडिया में हंगामा मच गया। कहते हैं कि इस बात से नाराज होकर इंदिरा गांधी ने अपने चहेते यशपाल कपूर को बहुगुणा पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंप दी। कपूर लखनऊ में रहने लगे। कहते हैं कि एक दिन भड़क कर बहुगुणा ने यशपाल कपूर का बोरिया बिस्तर लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलवा दिया। इमरजेंसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इसी सिलसिले में वो लखनऊ भी गए। बहुगुणा ने उनको रोका नहीं बल्कि रेड कारपेट वेलकम दिया। जयप्रकाश नारायण इतने प्रभावित हुए कि यूपी सरकार के खिलाफ एक भी प्रदर्शन नहीं किया, वापस हो गए। पर इंदिरा बहुगुणा से बहुत नाराज हो गई। हालांकि जनता पार्टी के बिखराव के बाद बहुगुणा 1980 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने हेमवती नंदन बहुगुणा को कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया और उनको प्रमुख महासचिव बनाया। 1980 में मध्यावधि चुनाव में बहुगुणा ने पूरी शक्ति के साथ चुनाव अभियान को संचालित किया। बहुगुणा गढ़वाल से जीते। 1980 के चुनाव के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा था, इस चौधरी ने हमारा जीना हराम कर दिया। हम ही जानते हैं कि हम कैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में जीते हैं। यादवों का 6 साल का लड़का भी हमारी पार्टी की जीत देखकर खड़ा हो जाता है और चौधरी की आलोचना तो दूर, उसका नाम आते ही ईंट चलाने लगता था। चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई पर इनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इंदिरा का बदला लेने का एक अनूठा तरीका था, एकदम अपमानित कर देना। 6 महीने के अंदर ही बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी के साथ ही लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। 1982 में इलाहाबाद की इसी सीट पर हुए उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी, लेकिन 1984 का चुनाव उनके लिए काल बनकर आया। राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया, पर बहुगुणा का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। बहुगुणा ने अमिताभ के खिलाफ दबा के प्रचार भी किया था, हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में, सरल नहीं संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना। बच्चन ने बहुगुणा को 1,87,000 वोट से हराया। बहुगुणा कांग्रेस छोड़कर लोकदल में आए थे।
यहां देवीलाल और शरद यादव ने उन पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिससे वो अंदर से पूरी तरह से टूट गए। इस हार के बाद बहुगुणा ने राजनीति से संन्यास ले लिया, पर्यावरण संरक्षण के कामों में लग गए। 3 साल बाद अमिताभ ने सीट छोड़ दी, राजनीति से संन्यास ले लिया और उसी दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा की मौत हो गई। क्या कहें राजनीति का, बहुगुणा एक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि दूसरी कराने की जरूरत नहीं है, राजनीति से दूर रहेंगे तो आराम में रहेंगे। लेकिन बहुगुणा को आराम से बैठना गवारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टरों से कह दिया कि बहुगुणा समोसे खाने और मजे करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ऑपरेशन तो करवाऊंगा। इसी तरह के रोचक सियासी किस्सों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू।